दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। दमोह जिले की पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की विधायक श्रीमती रामबाई सिंह को उनके ऑन द स्पॉट फैसलों तथा व्यवस्था को लेकर तत्काल फटकार लगाने की वजह से दबंग विधायक के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस वजह से अनेक बार वह आलोचना के साथ परेशानियों में भी गिर चुकी है। यहां तक कि कलेक्टर द्वारा उनके खिलाफ FIR भी करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद उनके तेवरों में कोई खास फर्क आता नहीं दिखा है। ताजा मामला जिला अस्पताल में सामने आया है, जहाँ एक मरीज को देखने गई थी। इसी दौरान लोगों ने उनसे अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत करते हुए हालातों की पोल खोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव को बाहर जनता के बीच बुलाकर 1-to-1 करने में देर नहीं की। इस दौरान सबसे अधिक शिकायत साइकिल स्टंट संचालक और सुरक्षा गार्डो की मनमर्जी की सामने आने पर उन्होंने इनको जमकर फटकार लगाई। वहीं डिलीवरी के दौरान लेन देन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। अस्पताल में एक हमारे परिवार के हैं, तो एक लड़का है 17-18 साल का, उसने शायद दवाई ववाई पी ली, किस कारण से पी ली ये मालूम नहीं है। रिश्तेदार हैं हालांकि, तो उनको ही देखने आई। जब देखने के लिए आई तो शिकायतें बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन शिकायतें जो हैं वो भाई अगर कोई गलती कर रहे हैं तो गलती लापरवाही तो है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो लिखित में सिविल सर्जन को सुना है। हालाँकि जो बिजनेस है वो तो कभी बंद हो नहीं सकता, हमें मालूम है। जैसे डिलीवरी रूम में पैसे लेने कभी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि बंद तब हो जब मांगना बंद हो। अब लड़काते हों तो लड़की के पैसे मांगे जाते हैं। फिर दूसरी बात, बहुत सी चीज़ें गार्ड की सुरक्षा की शिकायत करी, फिर बाहर पर्ची जो स्टैंड पे है, एक आदमी अगर एक पर्ची कटवाता उसकी चार बार पर्ची काटी जाती है। अगर वो कुछ भी लेने के लिए जाए, चार लड़के घूमते हैं तो एक पर्ची काटते हैं उसी आदमी के दूसरों व्यक्ति पर पर्ची काटता है, जी अंधेर मत। और फिर दूसरी बात, कहीं ना कहीं लापरवाही साफ सफाई से लेके और चीज़ों की है, जिसमें जनता की है। जनता बहुत ज़्यादा गुटखा उटका खा के अंदर गंदगी मचाए हुई है। तो 80% अगर अस्पताल की है तो 20% कमाई अपनी भी है, साफ सफाई को लेके और भी चीज़ों को लेके। भाई एक मरीज। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।